इम्पोर्टेंट वीडियो की फ्री में अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो स्वागत है फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करने वाले नेपाल की करेंसी के बारे में। नेपाल की करेंसी जो है फ्रेंड्स, ऐसी करेंसी है जो नेपाल में चलती है, इंडिया में नहीं चलती, आपको बता दूं। बाकी इंडिया की करेंसी नेपाल में एक्सेप्टेड है, ज्यादातर जगह पे आप उसको एक्सेप्ट पाएंगे। लोकल जैसे शॉप होती है वहां पे नहीं होगा, बाकी आप मॉल होटल वगैरह में आप वहां पे आप आपकी जो करेंसी है वहां पे एक्सेप्ट होगी। लोगों का सवाल ये होता है कि क्या वहां पे जो है हमारे डेबिट कार्ड भी एक्सेप्ट किए जाएंगे? बिल्कुल जी हाँ, आपके डेबिट कार्ड जो है वहां पे एक्सेप्ट होंगे, है ना। और वहाँ की एक रुपए की बात करूँ तो यहाँ का आप एक रुपए ले जाते हैं तो वहाँ पे 1.6 यानी एक रुपए 6 पैसे 60 पैसे के बराबर होगा। यानी आप 10,000 ले जाते तो आपको 16,000 वहाँ पे बनेगा, 16,000 जो है नेपाली रूपी। तो नेपाली रूपी वहां पे इतना हो जाएगा। और वहां पे जगह जगह आप वहां पे अपने जो है करेंसी बदल सकते हैं। आप कैश जो है नेपाल में कैश ले जाना आपको ज्यादा अलाउ नहीं है, आप 25,000 तक कैश ले जा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए इतने ज्यादा का कैश मत ले जाइए और डेबिट कार्ड ले जाइए। आप डेबिट कार्ड और बाकी आपका इंटरनेट वगैरह सब कुछ है वहाँ, पेटीएम वगैरह एक्सेप्टेड है, पेटीएम एक्सेप्टेड है और जो भी चल रही है, मुझे पेटीएम के बारे में पता है और जो भी और ई वैलेट है वहाँ पे एक्सेप्टेड है। तो फ्रेंड्स, इतनी सी थी वीडियो, और अगर पसंद आई तो लाइक कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड्स। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।